हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टाफिंग गॉड। मैं हूं गौरव और आज की वीडियो में हम बात करेंगे असेसमेंट फेस की, मतलब हाउ टू स्क्रीन अ रेज्यूमे। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्लीज वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, तभी आपको सारी बातें पता चलेंगी। रेज्यूमे को स्क्रीन करने के लिए कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं, इधर आईज के बारे में और इधर ईयर्स के बारे में। मतलब जब हम कोई रेज्यूमे स्क्रीन कर रहे हैं, किसी बंदे से कॉल पे बात कर रहे हैं, तो हमें अपनी आंख और अपने कान दोनों से काम करना होगा। मतलब जब हम फोन पे बात कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें उस बंदे से क्या पूछना है और रेज्यूमे में हमें क्या चीजें देखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले आईज से। मतलब जब हम रेज्यूमे को स्क्रीन कर रहे हैं, रेज्यूमे को देख रहे हैं, रेज्यूमे को पढ़ रहे हैं, तो उसमें हमें क्या क्या चीजें देखनी चाहिए। पहला, थिंक लाइक अ बायर। आप उस रेज्यूमे को ऐसे देखिए जैसे आप उस बंदे को खुद हायर करने वाले हैं। क्या इसके पास वो स्किल सेट्स हैं, क्या आपको लग रहा है कि ये बंदा काम का है या नहीं है। सेकंड वन, गैप्स इन रेज्यूमे। आप उसे देखिए कि उसके हर प्रोजेक्ट के बीच में कोई गैप्स तो नहीं है, क्या उस बंदे ने रिसेंटली काम किया हुआ है या कुछ उसका एक या दो गैप से ज्यादा उसके रेज्यूमे में है, ये सब चीजें। द नेक्स्ट वन इज लुक फॉर लॉन्ग ड्यूरेशंस। आपको यह देखना है कि बंदा छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में तो काम नहीं कर रहा है, लॉन्ग ड्यूरेशंस है उसकी, अच्छे प्रोजेक्ट्स है, ये सब देखने वाली चीजें हैं। द नेक्स्ट वन इज लीप फ्रॉग। लीप फ्रॉग मतलब कि बंदा, कुछ बंदे होते हैं कि सैलरी ज्यादा मिल जाती है तो वो जल्दी जल्दी अपनी जॉब स्विच कर लेते हैं, तो देखिए कि बंदे ने कहीं उसके रेज्यूमे में स्टेबिलिटी है या नहीं है। द नेक्स्ट वन इज कीवर्ड्स कंट्रोल एफ। मतलब जो आपको स्किल सेट्स जॉब डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, क्या वो बंदे के पास है, कंट्रोल एफ कीजिए और उन कीवर्ड्स को सर्च कीजिए रेज्यूमे में। द नेक्स्ट वन इज जॉब टाइटल। आप देखिए कि बंदे के पास जो आप जो जॉब डिस्क्रिप्शन है, आपके पास जो जिस चीज की रिक्वायरमेंट है, वो जॉब टाइटल है या नहीं है। कई बार क्या होता है कि हम ढूंढ रहे हैं जावा डेवलपर या हम ढूंढ रहे हैं .NET डेवलपर और बंदे ने लिखा हुआ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो सारे IT के बंदे होते हैं, ये देखिए कि टाइटल स्पेसिफिक हो, जावा डेवलपर या .NET डेवलपर। अगर ऐसा नहीं है तो बंदे से बात कीजिए, अगर वो ऐसा अपडेट कर सकता है तो बहुत अच्छी बात है। द नेक्स्ट वन इज लोकेशन ऑफ लास्ट जॉब। आप उसकी देखिए कि लास्ट जॉब की लोकेशन क्या थी, क्या उसकी जो लास्ट जॉब की लोकेशन है वो आपके जो करंट आप जिस लोकेशन के लिए ढूंढ रहे हैं उसके आसपास है, क्या सेम लोकेशन है। ऐसा तो नहीं है कि आप ईस्ट में ढूंढ रहे हैं और बंदा अभी वेस्ट में काम कर रहा है, तो ये चीज बहुत डिपेंड करती है बंदे की, ये देखने के लिए कि क्या वो बंदा आपकी जॉब एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। नेक्स्ट वन इज एजुकेशन। आप देखें कि जो आपको जॉब डिस्क्रिप्शन में एजुकेशन आप बंदे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या वो बंदा उसको फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। द नेक्स्ट वन इज सर्टिफिकेशन। कई बार जॉब डिस्क्रिप्शन में जो क्लाइंट होता है, कई बार वो कुछ सर्टिफिकेशन के लिए पूछ रहा होता है, कुछ सर्टिफिकेशंस को एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि आपके कैंडिडेट के पास ये सर्टिफिकेशंस होने चाहिए, तो आप देखिए कि क्या बंदे के पास सर्टिफिकेशंस हैं या नहीं है। द नेक्स्ट वन इज कम्यूट, हाउ डिफिकल्ट। आप चेक कीजिए कि बंदा कहाँ रह रहा है, जहां पे आपका क्लाइंट है, जो जॉब लोकेशन है उससे वो कितना दूर है और वो कम्यूट कैसे करेगा, क्या उसके पास अपना व्हीकल है या वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाएगा, तो क्या उसके लिए वो जगह कम्यूटेबल है, एक्सेसिबल है। ऐसा तो नहीं है उसे 4 घंटे जाने में ही लग रहे हैं, तो ये सब चीजें आप देखिए, उससे पता चलेगा कि बंदा जॉब लेगा या नहीं लेगा। द नेक्स्ट वन परमानेंट और कॉन्ट्रैक्ट पर्सन। आप ये देखिए कि बंदे ने रेज्यूमे में कॉन्ट्रैक्ट पोजीशंस दिखा रखी हैं या परमानेंट पोजीशंस दिखा रखी हैं। आप उसे कौन सी जॉब ऑफर कर रहे हैं, अगर बंदा होल लाइफ परमानेंट जॉब करता हुआ है और आप उसे कॉन्ट्रैक्ट, 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर रहे हैं, तो चांसेस कम है कि वो बंदा आपकी कॉन्ट्रैक्ट जॉब के लिए हाँ करेगा या उस जॉब को एक्सेप्ट करेगा। हो सकता है कि वो सिर्फ ट्राई कर रहा हो और वो दूसरे लेवल पे फुल टाइम जॉब ही ढूंढ रहा हो और आपकी कॉन्ट्रैक्ट जॉब को एक्सेप्ट ना करे। द नेक्स्ट वन इज द रेज्यूमे। द नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन इज रेज्यूमे कंफ्यूजिंग टू यू। आपने पूरा रेज्यूमे देख लिया, आपको क्या लगता है कि ये रेज्यूमे कंफ्यूजिंग है या नहीं है, आपकी गट फीलिंग यहाँ काम करेगी। सो अब हम बात करते हैं ईयर्स की। ईयर्स में क्या क्या होना चाहिए, जब आप उससे फोन पे बात कर रहे हैं तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। पहला, क्या बंदा ओवर टॉकर है, क्या ऐसा हो रहा है कि वो बंदा आपकी सुन ही नहीं रहा है, अपनी बोले बोले जा रहा है, अपनी बातें ही बताया जा रहा है। कई बार ऐसा होता है कि हमने बंदे को कॉल किया और हमने उससे बताया कि हमारे पास ये जॉब है और वहां से बंदा स्टार्ट हो गया और वो आपके सुनने को तैयार नहीं है, अपना ही को
कुछ बोले जा रहा है. द नेक्स्ट वन इज कांट अंडरस्टैंड टू फास्ट. आपको ये देखना है कि क्या वो जो बात कर रहा है वो समझ में आ रही है आपके, क्या ऐसा तो नहीं है वो बहुत तेज बोल रहा है और आप उसकी बात समझ ही नहीं पा रहे. तो उस केस में हो सकता है कि वो इंटरव्यूअर को भी ऐसे बात करे और इंटरव्यूअर उसकी बातें समझ ही ना पाए. द नेक्स्ट वन इज हॉर्स विस्परिंग. क्या ऐसा तो नहीं है कि बंदा बहुत धीरे धीरे बात कर रहा है, आपको सुनाई नहीं दे रहा, आपको बार बार सॉरी सॉरी बोलना पड़ रहा है कि प्लीज थोड़ा सा तेज बोलिए, आपको ऐसी सिचुएशन तो नहीं आ रही है. द नेक्स्ट वन इज पर्सन इंटरप्ट्स. ऐसा तो नहीं है कि पर्सन वो बंदा आपकी बात ही नहीं सुन रहा है और बार बार आपको इंटरप्ट कर रहा है, आप उसे कुछ समझा रहे हैं और वो बार बार अपनी बात कुछ आपको बताना चाह रहा है. द नेक्स्ट वन इज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. क्या बंदा कॉन्फिडेंट लग रहा है आपको? ऐसा तो नहीं है कि वो आपको कॉन्फिडेंट ही नहीं लग रहा, उसके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तो ये चीज का ध्यान रखें. द नेक्स्ट वन इज एरोगेंट और रूड. कई बार हम कॉल पे बात करते हो, सामने वाला बहुत ही एरोगेंट होता है, वो बहुत रूड बिहेवियर करता है, तो इस बात का ध्यान रखें कि बंदा अगर एरोगेंट है या रूड है तो उसकी प्रोफाइल को ड्रॉप कर दें. द नेक्स्ट वन इज लाइक अ लैंग्वेज. कई बार क्या होता है कि आप किसी से बात कर रहे हैं, वो हर दो तीन शब्द के बाद लाइक बोलता है, लाइक आई एम डूइंग दिस, लाइक आई वॉन्ट टू डू दिस, आई लाइक दिस टाइप ऑफ थिंग्स. तो कोशिश कीजिए कि ऐसी प्रोफाइल को आप ड्रॉप कर दें. द नेक्स्ट वन इज पर्सन आर्टिकुलेट. आर्टिकुलेट मींस क्या वो बंदा अपनी बातों में स्पष्ट है, क्या वो जो आपसे बातें बता रहा है वो अपनी बातें सही तरीके से आपको समझा पा रहा है या नहीं समझा पा रहा है. द नेक्स्ट वन इज पर्सन लाइकेबल. क्या बंदा आपको पसंद आ रहा है, क्या आपको बंदा सही लग रहा है. द नेक्स्ट वन इज लिसन टू योर गट. मतलब आपको अपनी गट फीलिंग देखनी है कि आपको क्या लग रहा है कि बंदा सही है या नहीं है. The next one is listen to person eagerness to find a job. मतलब आप बंदे की आपको फीलिंग क्या आ रही है, बंदे से बात करके आपको क्या लग रहा है कि उसको जॉब की जरूरत है, क्या उसे जॉब की भूख है, उसे ये जॉब वाकई में चाहिए या नहीं चाहिए. सो फ्रेंड्स, दीज वर द थिंग्स आईज एंड ईयर्स. आपको कॉल करते हुए इन सारी चीजों का ध्यान रखना है कि ये चीजें आपको रेज्यूमे में देखनी है और ये चीजें आपको फोन से बात करते हुए बंदे से या कैंडिडेट से पूछनी है. आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर एज मच एज यू कैन एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल सो मैं आपके लिए और वीडियोस बना सकूं. और प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप मेरी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं जो मैं आपके लिए प्रिपेयर कर सकूं. थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे.